सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सीक्रेट गीगल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट गीगल। मैं हूँ श्रुति और आज की हमारी रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल एग फ्राइड राइस। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो देर ना करके चलिए बनाते हैं एग फ्राइड राइस। तो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप चावल, जिसे मैंने 1 घंटे तक भिगो कर रखा था। मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है, कुकर में मैं डाल दूंगी चावल जिसे मैंने भिगो कर रखा था। एग फ्राइड राइस एक चाइनीज डिश है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल लिया था, तो मैं इसमें डालूंगी 3 कप पानी। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक और 3 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल डालने से हमारे चावल फरफरे होंगे और वो चिपकेंगे नहीं। ये देखिए, अब हम इसे 1 सीटी लगने तक बंद कर देंगे और फ्लेम भी हमारा हाई होगा। तो गाइस, ये देखिए मेरा चावल अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसे कुक करेंगे। कुक करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रीन चिली, गार्लिक, बीन्स, अनियन और कैरेट। मैंने यहाँ पे ले लिया 2 टेबलस्पून ऑयल। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अंडे। इसे हमें फ्राई करना है कुछ उस तरीके से जैसे हम भुजिया बनाते हैं अंडे का। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैं इसे कैसे फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं कढ़ाई में फिर से डाल दूंगी करीबन 6 टेबलस्पून ऑयल। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली और गार्लिक। इसे हमें भूनना है इसके रंग सुनहरे होने तक। फ्राइड राइस को आप किसी चीज़ के भी साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे वो चिली चिकन हो या फिर चिली पनीर। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है। मैं इसमें डाल दूंगी अनियन, बीन्स और कैरेट। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा कुक हो जाए। ये देखिए, 5 मिनट के बाद ये देखिए मेरा वेजीज कुक हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सोया सॉस 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इसे हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी चावल जिसे मैंने कुक करके रखा था। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मोर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, एग फ्राई। इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस फ्राइड राइस को बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो गाइस, ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे सर्व कर दिया है। वाओ, ये लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मोर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।